हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक हो? पढ़ाई एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, जिस प्रोसेस में आपको रेगुलरली थियरी तो करनी करनी है, साथ साथ में क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। और उस प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, अनअकैडमी कॉम्बैट, एक साथ जिसमें बहुत से बच्चे लाइव आएंगे, लाइव टेस्ट देंगे और कॉम्पीट करोगे आप उनके साथ में, है ना। और कॉम्पीट करके रियल टाइम आपकी इवैल्यूएशन हो पाएगी कि आप कहां पर एग्जिस्ट करते हो। तो आज जो बात मैं करने वाला हूं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के थ्रू, वो किसके लिए? रिगार्डिंग अन अकेडमी कॉम्बैट। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। और ये एक तरह का इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कॉम्पिटिशन होगा, नीट यूजी वाले सारे के सारे बच्चों के लिए, सारे के सारे बच्चों के लिए। बेहतरीन टीचर, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, उन्होंने मिलकर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो सीधे सीधे इस बार के नीट में आने वाले हैं। राइट? आने कैसे वाले हैं, ये एक्सपीरियंस के थ्रू हमें आइडिया लगता है कि हाँ, ये बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यों ना ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाएं। एंड क्वेश्चन हर साल उसी में से आता है। तो नाम क्या है? अन अकेडमी कॉम्बैट। ये मिलेगा कहां पर? अन अकेडमी जो अपना मोबाइल का लर्निंग ऐप है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, वो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। सारे बच्चे डाउनलोड करने के बाद सबसे नीचे टेस्ट का ऑप्शन आएगा। देखो सबसे नीचे यहां पर क्या टेस्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे ये फोन आप ओपन करोगे, अलग अलग नहीं, ब्राउज और ऐसे करके सबसे नीचे वाली लाइन में तो टेस्ट का ऑप्शन आएगा बच्चों। उस टेस्ट के ऑप्शन में जाओगे, क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर लिखा रहेगा अन अकेडमी कॉम्बैट। ठीक है, चलो। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते, माय नेम इज अनुराग तिवारी, आपको अन अकेडमी पर बायोलॉजी पढ़ाता हूं प्लस प्लेटफॉर्म पर। और अन अकेडमी पर मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस वर्ड एटी सर, माय नेम इज अनुराग तिवारी, और एटी सर के नाम से तो मुझे अन अकेडमी पर भी सर्च कर सकते हो। ये तो मेरे बारे में कुछ चीजें हैं ही हैं। दूसरी चीज, जो बच्चे मेरे साथ प्लस पर पढ़ना चाहते हैं, यस, प्लस पर कंसेप्ट के लिए, क्योंकि हम कॉम्बैट में क्वेश्चन तो करेंगे बट उसके कंसेप्ट को हम करना चाहते हैं, तो ज्वाइन माई प्लस बैच, जिसमें बहुत सी डेली क्लासेस मिल रही हैं। अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो यार, कितने भी डाउट पूछ लो मुझसे, है ना। तो इनफैक्ट हर 3 लेक्चर के बाद एक डाउट सेशन अलग से होता है हमारा। एक और चीज मैं बताऊं, रेगुलरली हम लोग क्विज करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और वहां पर पॉसिबिलिटीज उससे बढ़ जाती हैं अन अकेडमी कॉम्बैट जैसे जितने भी कॉन्टेस्ट हैं उसमें विन करने की। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज एंड द बेस्ट पॉसिबिलिटी विथ अन अकेडमी प्लस इज, आप जब भी अन अकेडमी प्लस पर जाते हो तो आपको अनलिमिटेड एसेस मिलता है। फायदा क्या है अनलिमिटेड एसेस का? आप लाइव लेक्चर देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, और सिंगल सब्सक्रिप्शन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग यू कैन एसेस बच्चों, एवरीथिंग यू कैन एसेस। राइट? लाइव और रिकॉर्डिंग का काम क्या होता है? रिवीजन में काम आता है। आज से 2 महीने बाद भी तुमको कुछ रिवाइज करना है और वो टॉपिक तुमको नहीं आता, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज हो गया, सर ने क्या बताया था, दोबारा गए उस प्रीवियस लेक्चर पर जो कि चैप्टर वाइज दिया हुआ है, उसको दोबारा से स्टार्ट कर लिया। तो ये अनअकैडमी प्लस का फायदा आपको डायरेक्टली मिल जाता है। अन अकेडमी प्लस के साथ में एक और एडिशनल सब्सक्रिप्शन प्लान अन अकेडमी का बेहतरीन प्लान है। क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि फादर मेरे उस फील्ड के नहीं है, या मेरे घर में उस फील्ड का नहीं जो मुझे गाइड कर सके मेडिकल एंट्रेंस के लिए। राइट? तो क्या करेंगे? अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है। वो पर्सनल कोच बच्चों क्या करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक होता है मैंने बाइक चलाना सीखी तो यूट्यूब से सीख तो गया, मान लो किसी तरह से ऐसे गियर लगाते हैं, ऐसे आगे लेकर जाते हैं, ऐसे हैंडल पकड़ते हैं, बट कोई साथ में बैठा होता है ना तो सिलेक्शन पॉसिबिलिटीज, सीखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यही काम आपका पर्सनल कोच करता है। आपका डेली बेसिस पर आपको चीजें रहती हैं कि आपका एक ग्रुप बन गया, आपको बाई वीकली आपके रिव्यू में हेल्प करता है, टेस्ट एनालिसिस में हेल्प करता है कि जो भी क्वेश्चंस गलत हुए, किस टॉपिक में आप वीक हो, उसकी एक एनालिसिस आपके लिए अलग से बनाकर रखता है। एंड द बेस्ट थिंग, तुम्हारे लिए स्टडी प्लानिंग करता है, तुम्हारे लिए स्टडी प्लानिंग करता है। तो दीज आर द कुछ बेनिफिट्स हैं जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तुम्हें डायरेक्टली मिल रहे हैं। फर्स्ट, साथ साथ में प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रहा है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लस ये एडिशनल बेनिफिट इज कॉल्ड एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो आप देख रहे हो ना यहां पर कुछ चीजें हैं जो सेम सेम है दोनों, बट प्लस पर के साथ में ये दोनों सेम, बट आइकॉनिक में ये एडिशनल फीचर्स आपको मिल रहे हैं। राइट? जो भी बच्चे प्लस पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ के लिए जुड़ सकते हैं, जिस फीस में आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज माई कोड। एंड कोड क्या है? एक रेफरल कोड का ऑप्शन आता है ना, जैसे कूपन कोड होता है वैसे ही,
तो यूज करोगे कोड कौन सा? 80 सर, ये कोड है मेरा। इस कोड से बच्चों आपको सीधे सीधे किसी भी फीस में 10% का ऑफ मिल जाएगा, 10% का डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा किसी भी फीस में डायरेक्टली। तो एक तो ये कोड याद रखेंगे और 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ में आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चों ने सोचा कि सर मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत है, तो यूज दिस कोड और इस कोड के थ्रू 6 मंथ का आइकॉनिक ले सकते हो, 12 मंथ का आइकॉनिक ले सकते हो, है ना, एंड 2 ईयर का आइकॉनिक ले सकते हो। एंड आई एम सजेस्टिंग यू, अगर तुम 11th में हो तो ये तुम्हारे लिए वर्थ है, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बस कोड नहीं भूलेंगे बच्चों, 80 सर इज द कोड, और इससे तुम्हारे को 10% ऑफ मिल जाएगा जो भी तुम्हारा कोर्स है, राइट। एक चीज समझते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट में, बहुत से चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, जिसको बनाया किसने? अनअकैडमी के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स ने, है ना। वो क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं, इतने चैलेंजिंग हैं और इतने इंगेजिंग है ना कि तुमको करने में भी मजा आएगा। तो काफी फनिंग फॉर्म में आप चीजों को करते हुए जाओगे और एवरी संडे आपका टेस्ट हो रहा है, तो ये फायदा आपका डायरेक्ट मिल रहा है। दूसरी चीज, यहां पर बहुत से एजुकेटर्स जो टॉप है उन्होंने बनाया, तो हर एजुकेटर के जितने बच्चे हैं वो सारे आएंगे, और जब सारे एजुकेटर्स के सारे बच्चे एक जगह जुड़ गए, आप इमेजिन करो 50,000 लोग अगर लाइव एक टेस्ट को कर रहे हैं, लाइव पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन में या इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इतने बच्चे आपको लाइव देखने को मिलेंगे, एक टेस्ट को एक साथ सब कोई अपने मोबाइल या ऑनलाइन डिवाइस पर कर रहा होगा, और इसके बाद एक दूसरे से रैंक चेक करने में तुमको कितना अच्छा लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात। हर एक क्वेश्चन के फॉर्म में लाइव लीडर बोर्ड आएगा, है ना, लाइव लीडर बोर्ड आफ्टर एवरी क्वेश्चन। 50,000 बच्चे पहला क्वेश्चन किया, है ना भाई, अभी तक आपने मैक्सिमम कितने बच्चों के साथ में लाइव टेस्ट दिया है, राइट, तो 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000, बट इमेजिन करो इससे ज्यादा बच्चे। तो लाइव रैंकिंग में आपको मोटिवेशन फील होगा बच्चों, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन फील होने वाला है। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम राहुल है, है ना, तो कैसा शो करेगा आपके लीडर बोर्ड पर, राहुल योर परफॉर्मेंस बेटर देन 90%। देख कितना एनालिसिस कितनी अच्छी दे रखी कि 90% बच्चों से ज्यादा बेहतर तुम्हारे मार्क्स हैं, इससे तुम अपने आप को बच्चों इवेल्युएट कर पाओगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अन अकेडमी कॉम्बैट। मेरी बात समझ रहे हो, कितनी अच्छी एनालिसिस है कि तुम 90% बच्चों से अच्छे हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, एक फायदा हो गया, तुम्हारे मार्क्स बता रहा है, रेटिंग बता रहा है, तुम्हारी स्कोर तुम्हारा कितना बना, ये सब कुछ, एक्यूरेसी तुम्हारी कितनी है, कितना क्विक फॉर्म में तुम कर रहे हो, 5 में से 4 सही किए तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ गई, 5 में से सिर्फ 2 ही सही किए एक्यूरेसी कम हो गई, मतलब एक्यूरेसी देख रहे हैं, और साथ साथ में रैंक भी दिखा रहा है तुमको, तो रैंक, तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे स्कोर, तुम्हारी एक्यूरेसी, हर चीज प्लस कितनों से बेहतर हो, कितने बच्चे तुम्हारे नीचे हैं, कितने अच्छे हैं, ग्राफिकल फॉर्म में हर चीज बता रहा है। तो ये एक एनालिसिस जब साइंटिफिक फॉर्म में होती है ना, तो हम चीजों को ज्यादा अच्छा इवेल्युएट कर पाते हैं। अगली बात जो यहां पर समझनी है, जैसे ही वो टेस्ट खत्म होगा, यू कैन एसेस द डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, टॉप एजुकेटर से डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, ये नहीं कि इसका आंसर ये तो मैंने सोचा था लेकिन समझ में नहीं आया क्यों ये वाला आ गया, गलत क्यों हुआ मैं, तुरंत जाओगे जस्ट आफ्टर द टेस्ट और आपको टीचर उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग उसको पहले से अपलोड करके हम लोगों ने रख दिया होगा, राइट, तो वीडियो सॉल्यूशंस पहले से अपलोड कर रखा है, तो क्या होगा, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा चीजों को समझने में और अपनी गलतियां पहचानने में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहेगा आपकी पढ़ाई के लिए बच्चों, है ना, ये सिर्फ जो चीजें समझा रहा हूं, अल्टीमेटली तुरंत जाना है और एनरोल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में नीचे टेस्ट का ऑप्शन होगा, वहां पर 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग और 13th, मतलब जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए अलग, तो अपना अपना क्या करना, एनरोल कर लेना अभी के अभी जाकर। साथ साथ में आपको आपकी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, है ना, आपको आपकी रेटिंग मिल जाएगी, स्कोर मिल जाएगा, लीडर बोर्ड आपको शो हो जाएगा, आप किस पॉइंट पर हैं वो आपको दिख जाएगा, एंड द बेस्ट थिंग, सिर्फ टेस्ट नहीं है ये, आपको रिवॉर्ड्स भी, आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ Amazon वाउचर, आपको iPad मिल सकता है, आपको जो है MacBook मिल सकती है, अभी मैं आगे शो करता हूँ। तो रिवॉर्ड भी है ना, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो आज मुझे रिवॉर्ड कुछ ना कुछ तो जीतना ही है, तो रिवॉर्ड देखो, अगर फर्स्ट प्राइज आ जाती है तो MacBook Air मिल रही है, iPad mini मिल रहा है, है ना, Apple AirPod मिल रहे हैं, या फिर जो टॉप 100 आएंगे, टॉप 100 में अदर देन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो मिल ही रहा है, टॉप 100 रैंकर्स को क्या मिल रहा है, 1000 तक Amazon वाउचर मिल रहा है, 1000 तक व्हाट, Amazon वाउचर। तो ये तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन पॉइंट हो जाएगा बच्चों कि तुमको कुछ ना कुछ जीतना है, और बहुत सी पॉसिबिलिटी अगर पढ़ने में अच्छे हो,
तो भी, और नहीं भी हो तो मेहनत करना शुरू कर दोगे, कई बार रिवॉर्ड की वजह से हम थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाते हैं। मैं ज़रा टाइमिंग बता दूँ इसकी, कब होगा पहला टेस्ट अपना, 29th of November 11 बजे, ठीक है। तो अगर तुम 11th में हो या 12th में हो या फिर 13th, मतलब ड्रॉपर, तुम्हारा टाइम 45 मिनट का है, 11 से 11:45 तक का, 11:45 तक का। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, सिलेबस वाइज बात कर रहे हैं। 4 राउंड होंगे, हर एक में 7 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 28 क्वेश्चंस ईच, 28 क्वेश्चंस ईच बच्चों, 28 क्वेश्चंस ईच, राइट, 28 क्वेश्चन सब में, है ना, चाहे जिसका भी तुमने एनरोल किया। और इनकरेक्ट के लिए प्रॉपर अकॉर्डिंग टू नीड्स सिलेबस जैसा होता है वैसे ही निगेटिव मार्किंग भी है ना, निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे, तो वहाँ जाओगे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। सिलेबस क्या है, तो ये चीज़ तो समझ लो, क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको लगभग 45-60 मिनट का ये टोटल, 28 क्वेश्चंस, 11th का सेपरेट कॉन्टेस्ट है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 100 रैंक अलग आएगी, ये नहीं कि ओवरऑल, 12th का अलग और 13th का अलग। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग, नीट के बेसिस पर नेगेटिव मार्किंग भी होंगी और अल्टरनेट संडे पर आपको ये टेस्ट होगा, अल्टरनेट संडे, इस संडे फिर ऐसे, तो 29 को होगा फिर ऐसे, तो इस बार का जो है वो 29th of November, डेट याद कर लो, मार्क कर लो, ठीक है। एक सिलेबस क्या है बच्चों, 11th के लिए डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, बॉटनी में लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजी में 3 चैप्टर हो गए, जूलॉजी बॉटनी मिलाकर, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में 1D 2D एंड वेक्टर्स आएंगे, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बात करें, पीरियोडिक टेबल, है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी वाली ये पार्ट आएंगे। सेम चीज 12th में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ताकि आप 12th में हो तो आपका 11th भी रिवाइज हो रहा है, दिस इज द बेस्ट थिंग, बातें समझ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स, और यहां पर इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1 वाले में, जो भी IUPAC नेमिंग और वर्नर्स थियरी, ये सब कुछ यहां पर आने वाला है, और आप ध्यान से देखो तो इन सब का मिक्सचर है यहां पर 13th में, ठीक। काइनेमेटिक थियरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स यहां पर आएगा। इनऑर्गेनिक में यहां का जो सिलेबस है 13th का, दैट इज पीरियोडिक टेबल, डन, वहां जाओगे तुमको मिल जाएगा, अकेडमी के लर्निंग ऐप पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सिलेबस देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, मैं इसको एक बार इरेज भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, इसी सिलेबस पर इस नवंबर के लास्ट में 29 को आपको टेस्ट देना है, तुम 11th के हो या 12th के हो या फिर 13th के हो, स्क्रीनशॉट अभी ले लो अभी के अभी, ठीक है। प्रिपरेशन कर दो यार, इसको करना जरूर है यार, प्राइज भी मिल रहा है, तैयारी भी हो रही, सीधी सी चीज़। तो क्या करेंगे, अच्छा एनरोल जब करोगे तो आपसे पूछेगा कोड, फ्री है बट फिर भी कोड मेरा डाल देना, है ना, मेरे स्टूडेंट हो, कोड डाल देना वहां पर ADSIR, है ना, कोड डाल देना ADSIR, तो कोड डाल दोगे वहां पर और एनरोल कर लोगे, तो ये तुम्हारा फायदा हो जाएगा। एक तो इसके साथ में अनअकैडमी कॉम्बैट में तुम एनरोल हो जाओगे, तो वहां जाओगे सबसे नीचे ऐसा टेस्ट का ऑप्शन आएगा और फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 1 फिर राउंड 2, और हर राउंड में 7 क्वेश्चंस, मैंने बता दिया हर राउंड में 7 क्वेश्चंस, ठीक है। अगली बात, अच्छा ये शायद शो नहीं कर रहा है ना, और इस तरह से जो है आप लोगों को यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर चीजें बड़ी सिंपल फॉर्म में, चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक फॉर्म में, तुम इस तरह से एनरोल हो जाओगे, एनरोल हो जाओगे तो 29 तुम्हारी डेट दे रखी, अभी जाकर देख लो, अभी जाकर देख लो, तो लगकर काम करो, मेहनत करो, और जिस भी कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे वैसे भी बता सकते हो, मेरी क्लासेस में तुम कमेंट में लिख सकते हो तुम्हारा कैसा रहा पेपर या किस टॉपिक में वीकनेस है तुम्हारी, तो मुझे बता देना। एंड येस आई एम प्लानिंग वन मोर थिंग, आई एम प्लानिंग कि इसके मैं तुम लोगों के कुछ वन शॉट वीडियोज़ भी बना दूँ ताकि तुम लोग पढ़ पाओ, प्लस पर तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ, तो प्लस वाले बच्चे तो उनका फायदा होने वाला है प्लस पर, है ना, जो बच्चे नॉन सब्सक्राइबर्स भी हैं वो अगर प्लस पर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और साथ में कुछ यूट्यूब पर भी मैं लेक्चर्स इसके लिए बना दूंगा, ठीक है ना। तो चलो बस यही न्यूज़ देनी थी तुम लोगों को, मेहनत करना शुरू कर दो यार इस बार, चाहे तुम 11th के हो, 12th के हो या 13th के हो, काम जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है, चलो बाय बाय।